वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम एंड वेल स्टडी। मेरे को पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप घर पे बैठ के आराम से घर के अंदर सेफली बैठकर आप पढ़ रहे होंगे और अपने पेरेंट्स की बात भी मान रहे होंगे। हम भी आपको बोल रहे हैं बेटे घर में रहो, सेफ रहो, है ना। तो बेटे कल हमने चैप्टर 4 ग्रेट पर्सनैलिटी रीड किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था हमने कल? सोक्रेट के बारे में डिस्कस किया था कि वो ग्रेट फिलोसोफर था, उनका बर्थ एथेंस में हुआ था, वो थिंकिंग और रीजनिंग पे बिलीव करते थे, उन्होंने अपने व्यूज़ को रिनाउंस नहीं किया बल्कि डेथ को अपनाया। उनके जो डिसिपल थे वो कौन थे? प्लेटो थे, उन्होंने आगे उनकी टीचिंग को स्प्रेड किया। आज हम बच्चे रीड करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब्राहम लिंकन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे को पता है थोड़ा बहुत आप अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो, क्योंकि वो क्या थे, हमारे 16th प्रेजिडेंट थे। वो यूएसए के, मतलब हमारे नहीं, यूएसए के प्रेजिडेंट बने थे, है ना। तो इस टाइप से आप उनके बारे में कुछ और भी बताइए। उनके फादर क्या थे? फार्मर थे, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। एक वो क्या थे, लायर थे, है ना, वकील थे, लॉयर थे ना, इस टाइप से। चलो बेटे ओपन योर बुक पेज नंबर 273। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए पेज नंबर 273 पे और अच्छे से केयरफुली लिसन कीजिए, अच्छे से सुनिए। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 1889 इन केंटकी यूएसए। ही बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। ही हैड ए लिटिल स्कूलिंग एज ही हैड टू वर्क ऑन हिज फादर्स फार्म। क्या है, अब्राहम लिंकन का जन्म कब हुआ बेटे? 1889 में हुआ। वो कहाँ पे रहते थे? उनका बर्थ कब हुआ? यूएसए में हुआ। और वो बिलोंग करते थे बहुत ही पुअर फैमिली से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बता दिया है ना, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। ही हैड ए लिटिल स्कूलिंग एज ही हैड टू वर्क ऑन हिज फादर्स फार्म। मतलब उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई भी की थी कि वो अपने फादर के साथ वर्क करने लगे थे काम पे, फार्म में, मतलब खेत में। एट द एज ऑफ 22 ही लेफ्ट होम एंड ट्राइड वेरियस जॉब बिफोर ही क्वालिफाइड एज अ लॉयर। ग्रेजुअली ही वाज ड्रॉन टू पॉलिटिक्स। क्या है, एट द एज ऑफ 22 ही लेफ्ट होम। जब वो 22 ईयर्स के हुए, 22 साल के हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। एंड ट्राइड वेरियस जॉब, उन्होंने अलग अलग टाइप की जॉब करनी स्टार्ट की। और बिफोर लॉयर, मतलब वकील बनने से पहले उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी जॉब की। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली ही वाज ड्रॉन इन पॉलिटिक्स, धीरे धीरे वो राजनीति में आ गए। अब क्या क्या पढ़ा हमने लिंकन के बारे में, कि वो केंटकी में उनका बोर्न हुआ, कब हुआ, 1889 में। लेफ्ट होम कब करा उन्होंने, 22 ईयर्स की एज में वो सबसे पहले जॉब की छोटी छोटी, उसके बाद क्या वो बन गए, लॉयर बन गए, और धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में आ गए। ओके बेटे, यस, टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 274। नेक्स्ट पेज पे आ गए बेटे 274 पे। एट दैट टाइम द यूएसए वाज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। जब लिंकन राजनीति में आए, पॉलिटिक्स में आए, तब क्या था यूएसए, यूएसए की फुल फॉर्म होती है बेटे यूनाइटेड फेस होता है बेटे हालात, दशा, दौर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जब वो राजनीति में आए तो यूएसए की जो दशा थी, फेस थी, बहुत ही क्या थी, बैड थी, बुरी थी, बुरे दौर से वहां के लोग गुजर रहे थे। क्या हुआ, द होल कंट्री वाज डिवाइडेड इन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। जो कि पूरी कंट्री डिवाइड थी, किसमें बंटी हुई थी, गुलामों में बंटी हुई थी, क्वेश्चन कर रही थी, प्रश्न कर रही थी गुलामों के ऊपर। द साउथर्न स्टेट हैज लार्ज प्लांटेशन वेयर अफ्रीकन नीग्रो स्लेव्स वर्क। प्लांटेशन क्या होता है बेटे, वृक्षारोपण, ठीक है।
द साउथर्न स्टेट हैज लार्ज प्लांटेशन, वहाँ पे जो साउथर्न स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे वृक्षारोपण थे, वेयर अफ्रीकन नेग्रो स्लेव वर्क, जहाँ पे वो नेग्रो गुलाम के रूप में वर्क करते थे, काम करते थे। द स्लेव वर ट्रीटेड लाइक एनिमल, दे कुड बी बाउट और सोल्ड इन द मार्केट, वहाँ पे स्लेव होते बेटे गुलाम्स, गुलामों के साथ ट्रीट मतलब बिहेव किया जाता था, व्यवहार किया जाता था लाइक एनिमल, जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको मार कूट कर उनसे वर्क करवाया जाता था, उनको भूखा रखा जाता था। दे कुड बी बोट और सोल्ड इन द मार्केट, उनको मार्केट में बेचा जाता था, खरीदा जाता था, इस तरह उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। द पीपल ऑफ द नॉर्थन स्टेट वार अपोज टू प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, अपोज होते हैं बेटे विरोध करना। ड्यूरिंग दिस टाइम अब्राहम लिंकन वार इलेक्टेड 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861। बेटे जो मैं आपको बोलती हूँ लाइक ट्रीटेड है, थ्रो है, बोट है, मार्केट है, अपोज है, प्रैक्टिस है, इन सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए कीजिए, आप अपने नोटबुक पे इनको आपने राइट करना है, क्योंकि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो बेटे आपको राइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब मैं आपको लेसन रीड करवा रही होती हूँ तो प्लीज़ अपने पास नोटबुक और पेंसिल जरूर रखें, कि जो आपको बात पता है कि ये हमारे नॉलेज के लिए है, जब मैं अलग से बता रही हूँ तो आप उसको राइट करो, क्योंकि जब भी अपनी क्लास से वापस रीओपन हो, अपने स्कूल रीओपन हो, तो अपने इनके बारे में डिस्कस करें, तो आप मिनट में आप मेरे को रिप्लाई करें, ओके। अब क्या है, द पीपल ऑफ द नॉर्थन स्टेट वर अपोज टू प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, जो नॉर्थन स्टेट के लोग थे वो स्लेवरी के विरोध थे, वो गुलामी के विरोध करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861। अब्राहम लिंकन को 16वां प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति चुना गया कहाँ पे, यूएसए में, कब, 1861 में। ही वॉन्टेड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, द साउथर्न स्टेट डिड नॉट वॉन्ट टू स्लेवरी टू एंड, दे इवन वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कंट्री, अब्राहम लिंकन वॉन्टेड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, फाइनली सिविल वार ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट, अब्राहम लिंकन वॉन द वार एंड कैप्ट द कंट्री यूनाइटेड। क्या है, जो ड्यूरिंग दिस टाइम अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड 16th प्रेसिडेंट, जब उनको 16वां प्रेसिडेंट चुना गया, ही वॉन्टेड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, वो चाहते थे इस गुलाम प्रथा को सोल्व किया जाए, इसका इलाज किया जाए, इसको खत्म किया जाए। द साउथर्न स्टेट डिड नॉट वॉन्ट स्लेवरी टू एंड, लेकिन जो साउथर्न स्टेट के लोग थे वो नहीं चाहते थे किसी स्लेवरी का, गुलामी का, तो क्योंकि क्यों, क्योंकि वो उनको ऐसे कहा कि ये गुलाम लोग जो हैं हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं, फ्री में वर्क कर रहे हैं, बिना खाना खाए वर्क कर रहे हैं, तो पैसे देने की कहाँ नीड है, तो वो कब चाहेंगे कि स्लेवरी का एंड हो। लेकिन अब्राहम को तरस आता था कि ये कैसे हमारे देश का, ये कैसे इसका हाल है यूएसए का, तो इसलिए उन्होंने स्लेवरी को खत्म करना चाहा। दे इवन वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कंट्री, जो साउथर्न लोग थे वो तो बल्कि कंट्री को ही खत्म करना चाहते थे, उनको सोचा ऐसा था कि कंट्री को खत्म किया जाए। अब्राहम लिंकन वॉन्टेड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, लेकिन जो अब्राहम लिंकन थे वो कंट्री को एक रखना चाहते थे, यूनाइटेड होता है इकट्ठा रखना चाहते थे, इसको अंडरलाइन करिए, अपनी नोटबुक पे राइट करना है आपने, इकट्ठा रखना। फाइनली ये सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट, अंत में क्या होता है, सिविल वॉर होता है बेटे गृह युद्ध, सिविल वॉर क्या होता है, गृह युद्ध, सिविल वॉर गृह युद्ध। तो क्या हुआ अंत में, क्या हुआ, ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट, सिविल वॉर हुआ किस किस के अंदर हुआ, नॉर्थन एंड साउथ स्टेट में। अब्राहम लिंकन वॉन द वॉर एंड कैप्ट द कंट्री यूनाइटेड, अब्राहम लिंकन जीत गया इस वॉर को, युद्ध को जीत गया, एंड कैप्ट द कंट्री यूनाइटेड, और उसने कंट्री को क्या किया, इकट्ठा करना चाहा। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम,
सेकेंड टाइम फिर लिंकन को क्या किया गया, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया. ही वॉन्टेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस. ही मेड सिंसियर एफर्ट टू हील द वाउंस ऑफ कॉज बाय द वॉर. इन 1865 ही वॉज शोर डेड बाय द स्पोर्ट ऑफ द साउथर्न स्टेट. लिंकन को प्रेसिडेंट चुना गया सेकेंड टाइम में. वो चाहता था, ही वॉन्टेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस. पीस को अंडरलाइन कीजिए बेटे, पीस होता है शांति, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना. वो चाहता था कि जो सिविल वॉर हुई थी उसको लोग भूल जाएं, पास्ट को भूल जाएं, अतीत को भूल जाएं और मिलजुल कर रहें और शांति से रहें. ही मेड सिंसियर एफर्ट टू हील द वाउंस कॉज्ड बाय द वॉर. वो मतलब शांति से, प्यार से लोगों के जो वॉर के अंदर जो दुखदाई घटनाएं हुई थी उनके जख्मों को, अंदर जो जख्म मतलब समझ लो अंदर से दुखी थे, ऐसे नहीं मतलब कोई चोट लगी वो नहीं, वैसे अपने दुखी हो जाते ना, उन चीज़ों के बारे में उसने सोचना स्टार्ट किया और उनके प्रयास किया कि उनको उनके जख्मों को भरा जाए. इन 1865 ही वॉज शोर डेड बाय द स्पॉट ऑफ द साउथर्न स्टेट. साउथर्न स्टेट के कुछ लोगों ने क्या किया, इन 1865 में उनको शूट कर दिया, मतलब उनको गोली मारी, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई. आगे बेटे पढ़िए. अब्राहम लिंकन वॉज वेरी सक्सेसफुल प्रोटेक्टिंग अटॉर्नी. वो बहुत ही अच्छे क्या थे, एक अच्छे वकील थे. वन समवन आस्क्ड हिम टू टेक अप ए केस. किसी ने उनको पूछा कि आप मेरा केस लोगे. आफ्टर हेयरिंग द डिटेल लिंकन सेड, उसने पूरी लिंकन ने उनकी डिटेल सुनी. लिंकन सेड, लिंकन ने कहा, आई अंडरस्टैंड योर केस, मैं आपके केस को समझ रहा हूँ. इट इज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बट एथिकली वीक. टेक्निकली बेटे देखो वैज्ञानिक जब तकनीकी, टेक्निकली क्या होता है, अंडरलाइन लीजिए टेक्निकली को, मीन्स तकनीकी. फिर क्या है बेटे, एथिकली, एथिकली होता है नैतिक. तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपका तकनीकी तौर पे तो केस स्ट्रोंग है लेकिन एथिकली वीक, लेकिन नैतिक तौर पे क्या है, समाज की दृष्टि से देखें तो क्या है, कमजोर है. आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता. बिकॉज व्हाइल आई एम आर्ग्यूइंग इट, जब मैं इस पे आर्ग्यू करूँगा, एट द बैक ऑफ माई माइंड ऑल द टाइम, मेरे माइंड में हर टाइम एक ही बात कहेगी, आई विल कीप सेइंग टू माई सेल्फ लिंकन यू आर लायर. कहते हैं कि मेरे माइंड में, मैं केस चाहे जीत जाऊंगा, चाहे मैं आपका वर्क भी कर दूंगा, लेकिन मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में हर टाइम एक ही बात घूमती रहेगी कि लिंकन आप लायर हो, आप एक झूठे इंसान हो. लिंकन यू आर लायर, आप झूठे इंसान हो. आई विल नॉट बी एबल टू लिव यू विद माई सेल्फ, मैं इसको अपनी लाइफ में नहीं ले सकता. ही डिड नॉट टेक अप द केस, उन्होंने वो केस नहीं लिया. बेटे देखो L A W Y E R, लॉयर. एक तो ये स्पेलिंग होगी बेटे, एक है L I A R, लॉयर. ये होता है झूठा. हम कहते हैं यू आर लॉयर, आप एक झूठे इंसान हो. लॉयर मेरा है वकील, ये दोनों भी ठीक है सही है, लॉयर और लॉयर, ये लॉयर है ये लॉयर है. ओके यस बेटे, आज हमने क्या पढ़ा है, अब्राहम के, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा है. अब्राहम लिंकन क्या थे, 16वें प्रेसिडेंट बने यूएसए के, है ना. सिविल वॉर हुआ, उन्होंने मतलब लोगों को यूनाइट करना चाहा, है ना, इस टाइप से हमने, उन्होंने 22 ईयर में घर छोड़ दिया. यस बच्चे, जो आपको स्पेलिंग मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन करवाए हैं, उन्होंने अपने डिफिकल्ट के वर्ड मीनिंग बनाकर अपनी नोटबुक पर राइट कर दिया. Okay, beta, thank you. Have a nice day.